हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टूडेंट। माय नेम इज सईद फरमान एंड हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री। ठीक है, तो चैप्टर जो चल रहा है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। लास्ट लेक्चर में हमने मैटर डिस्कस किया था, मैटर क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम आ गए थे स्टेट्स ऑफ मैटर पे, हमने सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट जो है डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैसीय स्टेट। ठीक है, गैसीय स्टेट डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, लिक्विड स्टेट में पढ़ा था, उसका आप मान लो वही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंज है। सपोज मैं आपको बताऊं चेंजेस क्या है। सॉलिड हमने पढ़ा था सॉलिड में कि सॉलिड का स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं कोई सॉलिड चीज ले ली, इसका एक ऐसे पार्ट ले ली, फिर उसको बड़ा करके देखेंगे तो उसमें क्या आएगा। ठीक है, ऐसे हम मान सकते हैं, ऐसे सॉलिड आएगा तो हम ऐसे आएंगे आइटम्स। ठीक है, ठीक, ऐसे आएंगे हमें एटम्स जो सॉलिड के होंगे, ऐसे क्लोजली पैक्ड होंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा सॉलिड। इसी तरह अगर हम लिक्विड एक बीकर में पानी डाल देंगे, ठीक है, फिर थोड़ा सा पार्ट देखेंगे उसका बड़ा करके, तो हमें कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो गैस का अगर देखेंगे, गैस में क्या आ जाएगा, गैस का कुछ इस तरीके से आ जाएगा, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था कि क्या होता है कि सॉलिड में जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा होती हैं। सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉलिड में रिजिडिटी आ जाती है, सॉलिड में स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस जो है ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, एंड इसीलिए वहां पे वो फ्लो कर पाते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दे कैन फ्लो, लिक्विड्स फ्लो, गैसेस फ्लो। गैसेस क्यों फ्लो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंट्रैक्शन बिल्कुल ही नेगलिजिबल होती है। ठीक है, जीरो अट्रैक्शन फोर्स होता है ऑलमोस्ट, एंड पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होती है। तो ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे डिस्टेंस की, यही हमारे गैसेस को कंप्रेसिबल बनाती है, कंप्रेसिबल बनाती है, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं गैसेस। ठीक है, सपोज अगर आप एक सिरिंज लेते हो, ठीक है, जो सिरिंज से इंजेक्शन देते हैं, ठीक, उसको नीचे से एक रबर बांधते हो और बंद करते हो, उसका जो जहां से वो लगाई होती है उसकी नीडल, तीन लोगे, एक में आप चाक पीस डाल दोगे, एक में आप वाटर डाल दोगे, एक में ऐसी गैस रखने दोगे, एयर रखने दोगे। उसके बाद जब आप उनको प्रेस करोगे तो आपको, आप यहाँ पे फील कर सकते हो कि जो चाक आपने डाल दिया था उसको प्रेस करना हार्ड हो रहा है। ठीक है, इसी तरह जो लिक्विड है उसको प्रेस करना थोड़ा बहुत इजी है, लेकिन और जो गैस है वो तो इजीली प्रेस हो रहा है। ठीक है, तो उसका ये मतलब है कि जो गैसेस है वो इजीली कंप्रेसिबल है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। यही जो कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर है, यही रेस्पॉन्सिबल है कि हमें सीएनजी एक छोटे से सिलेंडर में मिल जाता है, जो या हमें एलपीजी छोटे से सिलेंडर में मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करके उसमें भर दिया जाता है। तो इन्हीं वजह से हम गैसेस को इजीली बहुत ज्यादा कंप्रेस करके ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, और बहुत ज्यादा गैस को किसी छोटे से कंटेनर में भी हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रेस्पॉन्सिबल इसके लिए कौन सा फैक्टर है, ज्यादा डिस्टेंस एंड कम इंट्रैक्शन। ठीक, सॉलिड में क्या है, सॉलिड में आपका ज्यादा इंट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एंड स्पेस बिटवीन जो पार्टिकल्स है बहुत ही कम है। इस तरीके से आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक, हाँ, इसी तरह जो पार्टिकल्स है वो तो मैंने काफी बोला था, जैसे इंसेंस स्टिक होती है या हम फूड की स्मेल जो है वो हमें आ जाती है। क्यों, क्योंकि एरोमा के पार्टिकल जो है गैसेस पार्टिकल, गैस के साथ मिक्स होके वो हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, डिफ्यूज होते हैं, गैसेस फास्ट डिफ्यूज होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ठीक है, सबसे ज्यादा जो रेट होती है डिफ्यूजन की वो होती है गैसेस की। आपके टेक्स्ट ने भी ये डायग्राम जो है बनाई है, वहां पे भी आप देख सकते हो, मे बी आपको बेटर फील हो वहां पे। कुछ क्वेश्चंस हैं ब्लू कलर से देख लीजिएगा आप, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक गैसीय स्टेट में यही है, जो हमने वहां पे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वही आपको यहां पे अप्लाई करनी है और देखना है क्या चेंज हो रही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेट कैन मैटर चेंज इन स्टेट। ठीक है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। वाटर के बारे में आपको पता है, वाटर वाटर भी होता है, ठीक है, आइस भी होता है, एंड वाटर वेपर भी होता है।
ये तो आपको पता है, इसके बारे में बोलने की जरूरत है नहीं, एक्सपेरिमेंट भी नहीं चाहिए। वाटर होता है इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है, वाटर जब होता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड आइस जब होता है तो सॉलिड फॉर्म में होता है, एंड जब वाटर वेपर होता है तो गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम यहां पे ये देख रहे हैं कि एक मैटर या यहां पे एक सब्सटेंस वाटर जो है, ठीक है, वो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, किसमें, वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, आइस सॉलिड, एंड वाटर वेपर्स गैस की फॉर्म में। मतलब कोई भी मेटल स्टेट कर सकता है चेंज अपनी, कौन से फैक्टर्स है जिनसे वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, हाँ, तो जैसे ही जैसे वाटर जो है, जैसे वाटर लिक्विड के फॉर्म में है, उसका जो सॉलिड फॉर्म है वो आइस है, उसका जो गैसियस फॉर्म है वो वाटर वेपर है, इसी तरह सारे मेटल्स के ऐसे ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स है, सॉलिड भी है लिक्विड भी है, ठीक है, एक्सेट्रा, या किसी के लिक्विड सॉलिड है गैस है एक्सेट्रा, सब पढ़ेंगे कौन सी प्रोसेस का क्या नाम है। ठीक है, एक दो एक्टिविटी आपके टेक्स्ट में दी है तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक, तो जैसे ही आप मान लो कि हमने एक बीकर ले लिया और उसमें हमने आइस रखा, ठीक है, बीकर ले लिया हमने, ये बीकर मान लो आप, ये ऐसे बीकर एक, उसमें हमने क्या डाल दिया, आइस क्यूब्स डाल दिए, आइस क्यूब्स डाल दिए, और हमने यहां पे एक थर्मोमीटर भी हमने रखा। ठीक है, थर्मोमीटर, हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर का क्या चेंज आ जाएगा, टेम्परेचर को क्या होगा। तो जैसे ही हम यहां पे हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, हमने उसको हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो जैसे ही हीट आप उसको करते हैं, हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, ठीक है, टेम्परेचर 0 डिग्री पे ही रहता है जब तक सारा आइस मेल्ट नहीं होता। ठीक है, यहां पे आपको समझना है, हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट होता है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हीट कहां जाती है फिर, अगर आप टेम्परेचर नीचे से बढ़ा रहे हो, हीट दे रहे हो, तो लेकिन टेम्परेचर ऊपर थर्मोमीटर में टेम्परेचर वही है 0 डिग्री, तो जा कहां रही है हीट। ठीक, तो इसका आंसर ये है कि ये जो इंटरेक्शन लिक्विड में है सॉलिड में है, ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्शन इतनी ज्यादा है, इनको इतनी कम करने के लिए, इनको आपस में एटम्स को दूर दूर करने के लिए, इनको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वही एनर्जी हीट से ली जाती है। तो हीट क्या करता है, ये इस सॉलिड के इन इंटरेक्शन को कम करता है, इन पार्टिकल्स को मोशन देता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये जो सॉलिड था ये वाली स्टेट एक्सेप्ट करके लिक्विड बन जाता है। ठीक, तो जब तक ये पूरा लिक्विड नहीं बन जाएगा तब तक वो हीट यूज होती है। जैसे ही सारे पार्टिकल्स सारा जो सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो अब हीट तो नहीं चाहिए क्योंकि अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या किया जाता है, अब टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, क्योंकि जितनी एनर्जी हमें बॉन्ड ब्रेक करने के लिए चाहिए थी वो तो मिल गई, वो तो हो गई। उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, स्टेट इज रीच्ड, एक स्टेट आ जाती है व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। ठीक है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब आपसे पूछा जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, पर्टिकुलर चीज का, किसी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट आप डिफाइन करो। तो सिंपल सी बात है कि वो मिनिमम टेम्परेचर जहां पे वो जो सॉलिड है वो मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सिंपल सी चीज है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, या इसको हम बोलते हैं, इस मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट जहां पे सॉलिड अपनी लिक्विड स्टेट में आना स्टार्ट करेगा, सॉलिड की स्टेट चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर भी इफेक्ट करता है, क्या इफेक्ट करता है हम आगे जाके पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन प्रेशर भी इफेक्ट करता है। तो अभी हम लेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर में नॉर्मल। ठीक है, आप बाहर आपने रखा है किसी बीकर को, नीचे से आप हीट दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि कब इसका मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, आपने उसको मेल्टिंग पॉइंट बोल दिया, वही होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगर सपोज मेल्टिंग पॉइंट किसी मटेरियल का कम है, ठीक, तो हम यहां पे ये नोट कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि
इसके पार्टिकल्स में जो सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसके पार्टिकल्स में इंट्रैक्शन कम है, ठीक है। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि इसके पार्टिकल्स में इंट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिनके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए उनको ब्रेक करने के लिए। तो यहां पर याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट से भी हम मटीरियल की स्ट्रेंथ को नोट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मटीरियल में कितनी इंट्रैक्शन है, कितनी अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, कितना स्ट्रांग मटीरियल है। अगर जल्दी मेल्ट होता है तो कम इंट्रैक्शन है, अगर ज्यादा हीट देने में मेल्ट होता है तो ज्यादा इंट्रैक्शन वाला सॉलिड है, ठीक है। तो इसी तरह बोला गया है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेंपरेचर रिमेन सेम, सो व्हेयर डज द हीट गो, हीट कहां जाती है। यही मैंने आपको समझाया अभी तक कि हीट कहां जाती है, इन पार्टिकल्स को इन इस स्टेट में लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इनको दूर दूर करने के लिए, इनके बॉन्ड्स आपस में ब्रेक करने के लिए या वीक करने के लिए, वही हीट उसमें यूज होती है, ठीक है। अब क्या होगा अगर हमने काम किया, अब तो ये पानी जो आइस है ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, सारा आइस जो है मेल्ट हो गया। अब अगर हम और हीट देंगे तो क्या होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर हम और हीट देंगे तो टेम्परेचर जो है ग्रेजुअली जो है बढ़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। आप देखोगे पहले जीरो था, सारा वाटर में कन्वर्ट हो गया, अब क्या हुआ, अब ये स्टार्ट है टेम्परेचर जो स्टार्ट हो गया बढ़ना, 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। इसी तरह पहुंचते ये एक ही टेम्परेचर पहुंचने के बाद फिर चेंज नहीं होता। आप देखोगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच के ये फिर से चेंज नहीं होता, ठीक है, जितनी भी हीट दे रहे हैं वो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। As the heat is absorbed by the ice without showing its real temperature, it is considered that it gets hidden into the contents. ठीक, अब यहाँ पे और एक चीज है, जैसे ही हमने हीट दे दी, किसको दी, हीट आइस को, ठीक है, लेकिन वो हीट शो नहीं हुई किस में, थर्मोमीटर में, क्योंकि टेम्परेचर का राइज नहीं दिखा, तो इसको हम बोलते हैं कि ये हीट जो है ये हिडन हो गई, ये छुप गई, ठीक। इसीलिए इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, क्या बोलते हैं, लेटेंट ग्रीक वर्ड है जिसकी मायने है हिडन, ठीक है। अब द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। जब आप मेल्टिंग पॉइंट पे किसी 1 kg सॉलिड को उसके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, वहां पे जितनी हीट आपको देनी पड़ेगी उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हीट आपको शो नहीं होती बल्कि ये हीट यूज होती है सॉलिड के पार्टिकल्स में जो बॉन्ड है उनको वीक करने के लिए, जो इंट्रैक्शन है उसको कम करने के लिए, और उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट क्यों, क्योंकि ये जो हीट है ये हिडन रहती है, ठीक है, हमें ये शो नहीं हो रही है कहां गई, दैट इज वाई वी कॉल इट हिडन लेटेंट हीट, ठीक। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 0 degree है। अब जो टेम्परेचर है इसका ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है, टेम्परेचर जो यहां पे है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है ऐसा यूनिट, ठीक है, के से हम डिनोट करते हैं केल्विन, केल्विन, ठीक है। जो 0 degree centigrade है वो होता है 273.15 केल्विन, ठीक है। 100 degree कितना होगा, 100 degree इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। तो केल्विन जो है ये ऐसा यूनिट है, हाँ याद रखना है केल्विन ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का। तो 273 केल्विन पे हमारा जो यहाँ पे हीट जो हम देंगे आइस को कन्वर्ट करने के लिए उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जैसे ही वाटर पे हमने हीट देना स्टार्ट किया, वाटर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होती है, जैसे ही अब ये वाटर में कन्वर्ट हो गया और हमने वाटर को हीट देना स्टार्ट किया, हम वाटर को हीट दे रहे हैं, तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है वो भी अब रैंडमली मूव करना स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट आ जाता है, एक टेम्परेचर पहुंच जाता है जिसके बाद फिर से टेम्परेचर में राइज नहीं होता। वो कौन सा टेम्परेचर है, 100 degree centigrade। इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मैं आपकी टेक्स्ट की लाइन पढ़ता हूं क्या लिखा है,
एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, ठीक है, यही वो टेम्परेचर होता है जिसके बाद लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे अब जो एनर्जी हम देते हैं, ठीक है, अब जो हीट हम देते हैं, टेम्परेचर जो है बढ़ता नहीं है, लेकिन वो जो हीट कहाँ पे जाती है, वाटर मॉलिक्यूल्स को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है, ठीक, इनके काइनेटिक वजन बढ़ाने के लिए और इस स्टेट से इस स्टेट में लाने के लिए वो हीट यूज होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. Boiling is a bulk phenomenon. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. ठीक है, यहां पे और एक latent heat आती है जिसको हम बोलते हैं latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization वो heat होती है जो यहाँ पे यूज होती है लिक्विड पार्टिकल्स को गैसियस पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए, वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, वो काइनेटिक एनर्जी देने के लिए, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, ये कहाँ पे डिफाइन की जाती है, बॉइलिंग पॉइंट पे. बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है, जहां पे लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है एट एटमोस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, आपके टेक्स्ट ने 2-3 डिब्बे बनाए, इसमें लिखा है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, फिर लिखा है अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में चला जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे गैस में चला जाएगा, गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड में आ जाएंगे, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड में आ जाएंगे. ठीक है, अब एक और प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन. क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन हम बोलते हैं एक और प्रोसेस को, सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या है, जैसे ही आपके पास कुछ चीजें होती हैं, सपोज आपके पास कैम्फर है, ठीक है, कैम्फर में क्या होता है, या आपके पास नफ्थलीन है, तो क्या होता है उसमें, जैसे ही हम उसको हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है. ठीक है, उस प्रोसेस को जहां पे एक सॉलिड सब्सटेंस जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन. याद रखना है आपको, एग्जांपल क्या है, नेफ्थलीन है आपके घर में, आप ट्राई कर सकते हैं, वो डायरेक्टली क्या होता है, उसको डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट उसका नहीं आता. इसी तरह जब हम उसको कूल करते हैं तो वो गैसेस से सॉलिड में आ जाता है, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती, तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन. ठीक है, वो डिपोजिट होता है, हम उसको डिपोजिशन बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर से क्या होगा, हम बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप देखो ये होगा वो होगा. ठीक, अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर आप यहां पे प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, सपोज हम मानते हैं कि हमने गैस पे प्रेशर बढ़ा दिया, गैस में प्रेशर बढ़ा दिया तो ये पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे एंड ये स्टेट जो है इस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक, ये स्टेट और प्रेशर बढ़ाओगे तो ये इस स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है. तो प्रेशर बढ़ाने से हमें क्या होता है कि हमारी स्टेट जो है चेंज होती है सब्सटेंस की. अगर वो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर लिक्विड है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. बहुत और भी एक फैक्टर है, कलेक्टिवली अगर हम लेंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है ये इफेक्ट करते हैं. अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, प्रेशर बढ़ा दिया और, ठीक है, एंड टेम्परेचर जो है वो कम किया, ठीक है, तो आपकी सॉलिड स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. प्रेशर से क्या होगा, प्रेशर से पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे. ठीक है, टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी पार्टिकल्स की. जब ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी तो गैस जो है अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड स्टेट में आ जाएगा. इसी तरह यही टेक्निक यूज करके क्या किया जाता है, गैसेस को कंप्रेस करके फिल किया जाता है हमारे सिलेंडर्स में एलपीजी को. वहां पे भी टेम्परेचर को कम किया जाता है, प्रेशर को बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से वो लिक्विफाई होके हमारी सिलेंडर्स में हमारे घर पहुंच जाता है. उसी को हम बोलते हैं फिर एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. गैस को लिक्विफाई करके हमने उसको सिलेंडर में डाल दिया है, उसके बाद हम उसको नॉब जब खोलते हैं तो वो ऊपर आता है इन द फॉर्म ऑफ गैस. ठीक, क्योंकि वहां प्रेशर कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो सेम कंडीशन वहां पर उल्टा हो जाता है इसका. ठीक, इसी तरह अगर लिक्विड पे यह कंडीशन अप्लाई की जाए तो लिक्विड भी गैस में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, तो ये जो है सिंपल सा टॉपिक है, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो ये एनफ है. ठीक है, मोर देन एनफ है, क्योंकि ये बेसिक चीज है, ये समझना जरूरी है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. होप करता हूं कि यहां से जाके आप अपनी टेक्स्ट को एक बार
एक बार एट लीस्ट डेफिनेटली पढ़ोगे, ठीक है। जहां तक हमने खत्म किया है, जहां तक हमने कंप्लीट किया, वहां तक आप पढ़ लोगे, जो भी एक्टिविटीज दी गई है उनको एक बार देख लोगे, उससे एक आपको माइंड में जो एक पिक्चर बन जाएगी चैप्टर की, जिसकी वजह से आप आगे जाके आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो क्या करना है, जाके पहले टेक्स्ट को पढ़ना है, ठीक है, और जो आपके दोस्त है, आपके फ्रेंड्स है, उनको बता देना ये केमिस्ट्री स्टार्ट होगी है यहाँ पे, उनको भी लिंक शेयर करनी है वीडियोस की, चैनल की, ठीक। और ये भी बोल देना है कि बायो एंड फिजिकल भी कंप्लीट कर दिया हमने। तो अभी के लिए आज के लेक्चर में इतना रहने देते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, ठीक, यहाँ पे देख रहे होंगे आप अभी। बाकी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।